इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? सर अभी ये तो इतना टेम्परेचर। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम। मेरे साथ में है राजेश गुप्ता और एशिया के स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम अब जो करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर ये हमारी OCA मशीन बेसिकली, और ये हमारी जो नई वाली जो OCA मशीन है जो हमने अभी नया सेटअप लगाया है, तो इससे हम इसको वर्ड दिखाएंगे बेसिकली। एक हम आपको फोल्डर बना के दिखाएंगे, तो राजेश गुप्ता इसको करेंगे। ये हमारे पास में फोल्डर है जिसमें हमारा टच और डिस्प्ले लगा हुआ है, तो पहले हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। आपको ये प्रोसेस पता होगा, इसका ऑलरेडी बहुत से वीडियो डाले हैं, हमने भी डाला है। तो सेपरेशन का जो एक प्रोसेस है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी एशिया टेलीकॉम में इसका वीडियो सर्च कर सकते हैं और इसका पूरी तरीके से इसको वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो यहाँ पे हीट रखी है, टेम्परेचर का 110 पे हमने रख दिया है, और जैसे ही हमारा ये 110 के करीब पहुंचेगा हम अपना वैक्यूम चालू कर लेंगे और यहाँ से इसको टच निकालेंगे। तो ये जो अब आपको, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे OCA ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, जो इंस्टीट्यूट जो बेसिकली इंडिया लेवल पे है, बहुत कम इंस्टीट्यूट है जिनके बारे में OCA मशीन होती है। तो मैंने हालांकि OCA पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि OCA लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बट बेसिकली एक OCA मशीन हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अगर जो लोग लेना भी चाहते हैं और जिनके ऑलरेडी हैं तो उनको हम OCA के यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। तो ये मेरे स्टूडेंट है यहाँ पर, कर देते हैं। हाँ जी, कर लो इसमें। ये और ये 0.6 का है। ये उसके लिए है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एलसीडी का पोलराइजर, एलसीडी का पोलर सीट होता है वो अक्सर कई बार क्या होता है, हम लोग जब लगाते हैं तो कट जाते हैं जो पतली रहती है, तो उसके लिए हमें ये पतला यूज करेंगे तो हमें बेटर पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका 0.6 का। तो अभी हम दूसरा जो सेपरेटर का जो हमारा वायर है वो हम यूज़ कर रहे हैं 0.6 का। और जैसे कि राजेश ने बताया कि जो पोलराइज की सीट होती है वो करने के टाइम पे कट सकती है और आपका डिस्प्ले टूट सकता है, बेसिकली डिस्प्ले ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको बहुत पतला वायर यूज़ करें, और अगर आप अपने लोकल एरिया में ढूंढने जा रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं भाई 0.6 और 0.5 भी आता है इसमें, क्यों राजेश? जी हाँ। और कौन कौन से पॉइंट आते हैं? 0.5 भी आता है, 0.6 भी आता है। चलिए तो हम ये यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमें एक सावधानी देखनी होगी। हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि कुछ लोग जैसे इसको लगाते हैं तो ये जब हम लगाते हैं तो ये कुछ लोग ऐसा सीधा सीधा निकालते हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है, पोलराइजर हमारा हमेशा कट जाता है। जिसको ध्यान दिए, जब भी हमको निकालना हो ये LCD तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से दबा के रखें। तो ये हमारा निकल गया है, डिस्प्ले और टच हमारा अलग हो गया है। इसके बाद राजेश आपको प्रोसेस बताएंगे कि डिस्प्ले को कैसे, किस तरह से और क्लीन किया जा सकता है, और इसके बाद में जो लैमिनेशन सीट होती है OCA की, और जो OCA मशीन को किस तरह से हम यूज़ करेंगे तो उसकी सेटिंग भी वो आपको बताएंगे। और आपको और प्रॉपर अगर जानकारी चाहिए, आपको डिटेलिंग चाहिए, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हर महीने का 28 तारीख यहाँ पर बैच लगता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर आप इसे टेलीकॉम के नंबर पर कॉल कर रहे हैं, अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है और यहाँ पे हम कॉल नहीं उठा रहे हैं, कॉल काट रहे हैं, तो आप इस नंबर पे SMS करें और आप लिखें कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा। चलिए राजेश बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने निकाल लिया है डिस्प्ले, अब इसमें जो हमारा ग्लू है ये चिपका हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको हीटिंग देंगे। अभी हल्का हीट है, फिर भी हल्की सी हीटिंग इसको हम देंगे। ग्लू थोड़ा सा मोटा हो तो उसमें हम यूज कर, मतलब इसमें जो ग्लू की परत है वो बहुत पतली लगी हुई है, हाँ। जो बेसिकली वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो ग्लू रिमूवर हम यूज करेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 16, हाँ। तो अब आप ये क्या है राजेश बताइए? ये 1699 केमिकल है जो नॉर्मली सभी ग्लू रिमूवर में काम करता है। अच्छा जी हाँ। और दोस्तों ये हमने डिस्प्ले निकाली है, इसको अभी हम मोबाइल में लगा के चेक भी करेंगे, पहले ग्लू थोड़ा क्लीन कर लें, पर हम लैमिनेशन सीट लगाने के पहले हम इसको चेक करेंगे। चलिए हम अपना केमिकल यूज़ करें क्योंकि बिल्कुल नया पैक है, और ये हमारा पहली जो हमारा ये मशीन का डेमो है ये भी पहली बार है, तब तक मैं अपने स्टूडेंट से बात कराऊंगा। ये आए हमारे समीर जो नेपाल से हैं। समीर आपका कैसा रहा यहाँ पे 15 दिन आपने निकाले, और अभी आपका 16, 17, 18 दिन चल रहा है, आपने हार्डवेयर का कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा सर। आपका हार्डवेयर में समझ में आया कि नहीं आया? समझ में
ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल में मैंने नहीं सीखा वो यहाँ सीखा। 18 दिन में तो 2 महीने का कोर्स होता है कि 2 महीने का कोर्स में मजा आता है कि आप यहाँ पर आए, क्या अनुभव पाया? जब आपने आया होंगे तो आपने सोचा होगा कि 1 महीने में सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, पर आपने जल्दी सीखा यहाँ पर, तो अब आपके दिमाग में क्या बैठा कि 2 महीने में आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में आकर? टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि सर जहाँ भी सिखाएंगे वो 1-2 घंटा क्लास कराएगा लेकिन वो इतना नहीं सिखा पाए, लेकिन टाइम अनुसार सिखाएगा तो वो सीख पाए। तो ये हमारे पास आए, ये आपने इनका रिसेंटली एक वीडियो देखा था, आपका क्या अनुभव है ये बताइए। सर यहाँ मेरा एक अनुभव ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर क्या है, कैप्सर कुछ भी नहीं जाता, मतलब कि जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है। जब यहाँ कोई भी आता है ना, 2 दिन के अंदर कंपोनेंट को पूरा जानकारी आता है और ट्रेसिंग भी मतलब वो सीखने मिलता है उनको। मतलब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि 1 महीने में बहुत जल्दबाजी में सिखाते होंगे, कुछ चीजें छोड़ देते होंगे, बहुत सारा मैटर अगर इन लोग का दिमाग में चलता होगा, क्या ऐसा कुछ आप, क्योंकि आपने निकाला आप पहले दिन से हो? नहीं, यहाँ पर कैसा है कि आप पूरा का पूरा कंपोनेंट का कितना तरीका होता है, उसका टेस्टिंग कैसा रहता है, उसका काम क्या रहता है, किसको हमको मतलब वो कनेक्ट करना है, किसको हमको निकालना है, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल, पूरा का पूरा 2 दिन में ऐसा मतलब सिखाता है कि पूरा हमारा दिमाग में बैठ जाता है। और उसके बाद में ट्रेसिंग हमको पहले दिन पे ही हमको पता चलता है कि ट्रेसिंग क्या है, और बाद में कंपोनेंट का क्या है, कंपोनेंट का टेस्टिंग कैसा रहता है, पूरा हमारा। जबकि और मैंने आपके लिए ट्रेसिंग बहुत आसान भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान भी की है। ऐसा है कि हमारा ट्रेसिंग बस कोई भी रहे 2 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा ट्रेसिंग या सर्किट बना सकते हैं, उतना आसान है, बना सकते हैं बिना कहीं सर्किट, आपको मतलब सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप बताइए, अगर आपके पास में सैमसंग का ई मॉडल है और सर्किट डायग्राम है तो बना पा रहे हैं, कोई सर्किट डायग्राम नहीं है तो कैसे फिर बना पाएंगे? तो यही बेसिकली है, इसी को मेन सर्किट सप्लाई देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम दुकानों में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए ओप्पो वीवो सेट आ रहे हैं, उनके हम सर्किट कैसे बनाएंगे, सर्किट का क्या जानकारी होनी चाहिए उसके? एक्चुअली हमको ट्रेसिंग का जानकारी, मतलब ट्रेसिंग कैसे करना मालूम है, हम खुद का खुद हम सर्किट बना सकते हैं। बना सकते हैं जब हमें ट्रेसिंग और कंपोनेंट की प्रॉपर नॉलेज हो कि वो किस तरह से बैठे जाते हैं और किस किस सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे जाते हैं, कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीजें, सॉर्टिंग कैसे आता है, हाफ सॉर्टिंग, आपने सारी चीज यहाँ पे देखा है ये। और सॉफ्टवेयर में भी अभी तक कितना दिन हुआ आपको? सॉफ्टवेयर में अभी हमारा 14 दिन है। तीसरा मतलब पहला दिन में इंस्टॉलेशन था, इंस्टॉलेशन बाद में, ये आज का तीसरा दिन है। हमारे में पूरा एक एक दिन एक एक क्लास रहता है, जैसे कि मतलब सीपीयू बेस में चलता है, सीपीयू बेस में, जैसे आपने तीसरा दिन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी आपने देखा होगा कि 1-1 महीने का 2-2 महीने का क्लास होता है सिर्फ सॉफ्टवेयर में। तो 3 दिन में क्या क्या सीखे अगर मैं आपसे बताऊं? 3 दिन में हमारा फ्लैशिंग सीखे, मीडियाटेक का कोई सा भी मोबाइल आएगा तो उसकी फ्लैश फाइल भी पता होगी कौन सी है, फ्लैशिंग भी हम पता कर सकते हैं, सीपीयू भी पता कर सकते हैं, हम फर्मवेयर कैसा डाउनलोड करना, चलाना, उसको फ्लैशिंग करना और FRP हटाना, ये सब हमको मीडियाटेक का पता कर सकते हैं। और किसका पता कर सकते हैं उसके साथ, कौन कौन सी क्लास हुई है? SPD और क्वालकॉम, सिर्फ 3 दिन में, 1 दिन मीडियाटेक की बुरी क्लास की, 1 दिन SPD और 1 दिन क्वालकॉम की। तो तुम तो आए हो, जैसे तुम तो बिल्कुल नए हो, तुमने बहुत अनुभव ही था तुम्हारा, 11 साल तुमने कहना अपना रहे राजस्थान से हो तुम, कैसा अनुभव रहा 3 दिन? बहुत अच्छा अनुभव रहा, मतलब जो सोच के आए थे कुछ सीखने को मिला है मुझे। अच्छा, यहाँ पर 3 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे पता ही नहीं था मतलब इतना सीखने को मिलेगा। मतलब तुम तो ये सोचे थे कि 10 दिन में सर कितना सिखा पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे, नहीं तो मेरे को जैसे लगता है 3 दिन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मतलब बहुत है मेरे लिए। हाँ, मतलब दोस्तों ये मेरे स्टूडेंट का जेन्युइन उनका एक अपडेट, उनका रिव्यू है हमारी तरफ से। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है तो अच्छी बात है, अब अगर आपको लगता है कि ये भी फेक है तो दोस्तों इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने लोग तो खरीद नहीं सकता। बहुत सारे लोग हम क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि 1 महीने के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपका 98% आप परफेक्ट होके आप बाहर जाके खुद का खुद आप मतलब दुकान चला सकते हैं, आप भी दूसरों को सिखा सकते हैं, ये गारंटी हम दे सकते हैं, गारंटी। चलिए ठीक है, अभी आ जाते हैं वापस राजेश के बाद। हाँ जी राजेश बताओ। ये फ्रेंड्स हम ये 1699 नाम का ग्लू, ये ग्लू रिमूवर है, केमिकल है, बहुत अच्छा वर्क करता है नॉर्मल ग्लू के लिए, ठीक है, जिसको हमने निकाल लिया इसमें। अब इसको हम साफ करते हैं, इसको हम डालते हैं, और ये हमारा साफ करने के लिए क्लॉथ है, को फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा वो रह जाता है बारीक बारीक, तो आप हल्का सा हीटिंग दे दीजिए फिर साफ कीजिए, बहुत अच्छा साफ होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ग्लू हमारा
लगभग साफ हो चुका है और इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आगे प्रोसेस करते हैं और किस तरह से मशीन का क्या क्या काम होता है। तो राजेश साहब, ये जो कॉटन ये कपड़ा यूज कर रहे हैं, क्या है ये? कॉटन का कपड़ा है? जी, कॉटन कपड़ा है। कॉटन कपड़ा, इसमें डस्ट ज्यादा नहीं चिपकता। इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइबर क्लॉथ बोलते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हल्का सा हीट किया और फिर उसके बाद हमने साफ किया। बहुत अच्छे से साफ हो चुका है ये। ठीक है, अब इसकी एक बार फाइनल क्लीनिंग करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे 530 केमिकल, जो कि लास्ट में वर्क करता है हमारा। तो राजेश, ये बताओ कि अगर ये मेरे पास नहीं है तो जरूरी है क्या ये होना चाहिए मेरे पास? जरूरी नहीं है, फिर भी अगर इसको यूज करते हैं तो आप प्रॉपर उसको साफ अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल क्लीनिंग में यूज होता है। अच्छा जी, हाँ जी, हमारा ये साफ हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्लू रिमूवर मशीन है, तो इसको हम दिखाएंगे कि ग्लू को कैसे हटाती। बहुत अच्छे से हटाती फ्रेंड्स। ये देखिए टच में ग्लू लगा हुआ है और मालियम को इसको हटाना है, तो इसको हम थोड़ा सा हीट देते हैं। ये देखिए हल्का सा हीट हो जाएगा। कौन है बाहर? ये देखिए फ्रेंड्स, ये हीट हो गया है। अब इसको हम निकालते हैं इसकी सहायता से। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लू कैसे निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मशीन है। अगर आप वर्क कर रहे हैं मोबाइल पेयरिंग का, तो इसको आप ले सकते हैं। तो ये मशीन का जो और डिटेलिंग है, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्किप की जा रही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किस तरह से एक ग्लू हमारा निकल रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझना है, और क्योंकि ये OCA मैंने ऐड किया, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का जो हमारी फीस होती है, उसी में ये ऐड कर दिया है बस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये टच हमारा बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुका है। और नॉर्मली जो है हल्का फुल्का, वो हम लिक्विड से साफ कर सकते हैं। क्या हुआ? चलिए, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? आपने क्लीन कर लिया है, ये बाव कर लीजिए। चलिए, तो ये क्या लगा रहे हैं आप? ये है OCA सीट हमारा। इसको हम इस तरह से सबसे निचला परत निकाल देते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा रोलर है, इसको थोड़ा साफ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका सबसे निचला सिरा जो निकाल दिया था, उसके बाद इसकी एक परत और निकलेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगी और हमें ये कुछ ऐसे पकड़ना है फ्रेंड्स, ताकि ये पन्नी हमारी छूटने न पाए। नहीं तो छूटेगी तो फिर उसमें हमारा डस्ट आ जाएगा। और इसको हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। हमें ध्यान देना होगा जहां से हमारी ये LCD का कांच शुरू होता है, वहां पे लगाना है और हल्के हाथ से दबाना है। ज्यादा भी नहीं दबाना है, इतना दबाना है कि थोड़ा सा टच हो जाए इस तरह से। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये पोलर इसे रोलर से हमको ये इस तरह से दबा के और एक बार में ऐसे निकाल देना है फ्रेंड्स। अब हमारा ये सीट लग चुका है। अब इसको हम काटेंगे, जो बाहर निकला हुआ है उसका हिस्सा पूरा हम काट देंगे। तो दोस्तों, इसको देख के आपको याद आएगा कि जब आप दुकान में बैठकर लेमिनेशन सीट लगाते थे ऊपर, है ना, पहले अभी तो टेम्पर्ड ग्लास आने लगे हैं, पहले तो ऐसे ही लगाते थे लेमिनेशन सीट। ये हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपकी सीट लग चुकी है। अभी अब क्या करना है? इसका फ्रेम लाइए। हमें इसका फ्रेम की जरूरत क्यों है, यहाँ ये बताइए काम। ये फ्रेम इसलिए जरूरत है, क्या होता है जब हम टच इसको लगाते हैं इस तरह से, तो होता है क्या फ्रेंड्स कि कई बार जब हम अनुमान बस लगाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये फ्रेम में सही से बैठ नहीं पाता, इसके लिए हमें फ्रेम जरूरी हो जाता बाकी है। इसमें OCA के साथ में मोल्ड भी आते हैं, हमने मोल्ड आते हैं लेकिन वो अलग अलग सेट्स के आते हैं, लेकिन फिर वो आपको उतने पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे सेटों के आपको मोल्ड खरीदने पड़ेंगे। हाँ,
इस सीट के ऊपर एक और पतली सी झिल्ली रहती है जिसको निकालने के लिए हम इस स्टिकर का यूज करते हैं। मान लीजिए स्टिकर नहीं है तो निकल जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम करता है कभी कभी, तो उसमें तो हम पोसी सीट हमारी खराब हो जाती है, तो इसको हमको कुछ इस तरह से लगाना है। ये हमने लगा लिया है और इसको हम जब निकालना होगा फ्रेंड्स तो चलिए ठीक है। तो ये हमारा नया टच है और इन्होंने अभी इसको इसके फ्रेम में लगा के रखा हुआ है डिस्प्ले के। इसकी वो सीट निकल गई, ये हमने निकाल दिया। और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देना। और फ्रेंड्स इसको बिल्कुल दबाना नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब सिर्फ अपन को रखना बस है। रखना है और इतना रखना है कि हल्का सा टच हो जाए। उसके बाद अगर मोल्ड है तो मोल्ड में हम नीचे से हल्का सा प्रेस देते हैं, लेकिन चूंकि ये मोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम हल्का ऊपर ये हल्का सा करते हैं और उसके बाद हम कुछ इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। सावधानी से निकालेंगे। ये हमारा फ्रेंड्स अब इसमें लग चुका है, अब इसको हम इस मशीन में डालते हैं। कुछ इस तरह से डालेंगे और ये हमारा कुछ ऐसे रहेगा। अरे हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। स्विच डालते हैं और ये कुछ ऐसे रहेगा। अब इसको फ्रेंड्स इसमें 6 ऑप्शन है, तो ये चाइना, ये लैंग्वेज के लिए है, चाइनीज के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है और ये OCA बेसिक उसके लिए है, एज के लिए है, वो हमारी यूज में नहीं है। और ये OCA के बबल के लिए है, ये भी हमारी यूज में नहीं है क्योंकि एज वाले सेटों में होता है। और नॉर्मल जो सेट होते हैं उसमें हम यूज करेंगे। LCD लेमिनेट का ऑप्शन हमको चुनना है, इसलिए हम टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है और एक इमरजेंसी स्टॉप का, एक सेटिंग, एक मैनुअल। तो सेटिंग और मैनुअल हमारे यूज की नहीं है, हमारा जो भी यूज होता है स्टार्ट और ए स्टॉप। तो हम स्टार्ट कर देते हैं और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्ट होता है मशीन। अभी प्रोसेस अपना अपने से चलाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, उसे स्टार्ट कर देना है। अब ये पूरा वर्क अपने से करेगा। इसका प्रेशर जो है फ्रेंड्स ये 2 और 4 के बीच में ही रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हम कर ही रहे हैं, कल इनका जन्मदिन है। और क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। कहाँ से आए हो? इंदौर। इंदौर से। तो इनके जन्मदिन के लिए हम इनको बहुत एडवांस में ही शुभकामना देते हैं। और आप भी इनको जन्मदिन के लिए जो जो हमारा वीडियो देख रहा है, जो फॉलो करता है, इनको जरूर शुभकामना जरूर दें। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा हो चुका है, अब इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई बबल्स आए थी नहीं है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे उसमें, और अगर बबल्स आए होंगे तो हम उसको बबल रिमूवर से निकालेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बबल्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बबल्स हैं इसमें। तो चलिए इसको रिमूवर निकालते हैं। इसको डाल के इसमें हम एक प्लेट रहती है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये प्लेट रहती है, इसके अंदर इसको हम कुछ इस तरह से रखते हैं और इसके ऊपर हम ये ऐसे रख देते हैं। बोलो। तो फ्रेंड्स, अभी जो 5 मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए बबल सेटिंग में 5 मिनट लिखा हुआ है, मतलब ये है कि ये 5 मिनट हमने इसका टाइम फिक्स कर दिया कि 5 मिनट अपने आप ये मतलब स्टॉप होगा। बट फ्रेंड्स, इसको हम सेटिंग में अपने से सेट कर सकते हैं, 5 की जगह पे 2 मिनट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है 2 मिनट हमारा बबल रिमूव हो जाता है। फिर भी फ्रेंड्स, अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। जब ये प्रोसेस बंद हो जाएगा फिर हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी तो बंद हो गया ना प्रोसेस? नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी वो प्रेशर बना रहा था, लेकिन अब प्रेशर बनाने के बाद अब उसका प्रोसेस चालू है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि वो, अच्छा ये बबल्स करंट यहाँ पे चल रहा है जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर और मिनट भी बता दिया, अभी 1 मिनट हो चुका है जी हाँ, और ये सेकंड में चल रहा है, पल्स चल रहा है। अच्छा, और सेकंड में बता रहा है कि पल्स चल रहा है, तो हम इसको 2 मिनट तक रखेंगे जी हाँ। तो दोस्तों, ये मशीन कॉम्पैक्ट मशीन है, जो इसके बाद जो एक और मशीन आती है वो थोड़ी बड़ी मशीन होती है, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या क्या होता है उसमें? उसके अंदर बबल रिमूवर अलग होता है हाँ। और डिस्प्ले फिक्सिंग अलग आता है, दोनों चीज़। उसमें फिर कंप्रेसर भी अलग से आता है उसको, तो उसमें वो स्पेस काफी घेरता है और इसके अंदर आपका स्पेस भी कम लगेगा और ये प्रॉपर वर्क करता है, उससे बेटर। बट एक सही सलाह क्या देना चाहेंगे कि अगर आपके पास में अगर है ये मशीन? जी सर, हमारे पास मशीन है। हमारे पास है मशीन, लेकिन उसमें ये सर, जो सर ने जो मशीन मंगाई है बिल्कुल कॉम्पेटेबल है, वो छोटी मशीन है। मेरे पास है उसमें 4 मशीन है, एक कंप्रेसर अलग है उसका, बहुत जगह घेरती है, उसको सेपरेटर मशीन है, वो बहुत जगह घेरता है। चलिए बताइए। तो देखिए इसमें, जैसा कि हमारे ये पल्स, देखिए यहाँ पे बबल करंट मिनट में 2 मिनट हो चुका है और यहाँ जो सेकंड में चल रहा है 132, 133। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट समथिंग हो चुके हैं और मेरे हिसाब से बाउल रिमूव हो चुका है, तो इसको हम इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। देखिए हमने इमरजेंसी स्टॉप कर दिया है, कुकर चालू हो गया क्या? ट्रेन रुक गई। फ्रेंड्स, अब ये हो चुका है, अभी इस ढक्कन को हमको थोड़ा सा प्रेस देके खोलना होगा कुछ इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे बबल्स हट चुके हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि आपकी बबल्स यहाँ पे नहीं है और ये बिल्कुल मार्केट वाला फोल्डर जैसा हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर और कि किस तरह से यहाँ पे एक मशीन का यूज़ करके आप अच्छा काम कर सकते हैं, हालांकि मैंने फिर भी कह रहा हूँ कि ये मशीन तभी आप खरीदें जब आपको लगता है कि आपके पास में इतना काम आ रहा है कि आप इस मशीन का पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको रिपेयरिंग सीख रहे हैं, और क्योंकि हमने ये एड ऑन किया हुआ है, इसका कोई अलग चार्जेस नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट जैसे कि आपको यहाँ पर लूटने का काम होगा, जो हमारी फीस है उसी फीस में हमें ये आपको सिखाएंगे। तो जुड़े रहें चैनल से और इसी तरह से आपका प्यार बना रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ कहना चाहोगे राजेश? इसी प्यार और विश्वास के साथ हमारे इस चैनल एशिया टेलीकॉम से जुड़े रहें, और मेरा एक और भी चैनल है मौत का मंजर लाला डेंजर, उसको भी आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और अभी इन्होंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं, स्पीकर रिंगर का इन्होंने बहुत अच्छा एक ट्रेसिंग का वीडियो डाला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें और अभी अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूँ। समय की व्यस्तता कारण अभी नियमित रूप से नहीं डाल पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा उसमें डालने की। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हम मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने नए एक ऐप्स में, और ये ऐप्स में आपको मिलेगा संपूर्ण स्टॉक रूम सारे मोबाइल फ़ोन की। आपको करना क्या है, देवरत्न अग्रवाल लिखना है बिना स्पेस के मेरा नाम, और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखिए नया एक मेरा जो ऐप्स है वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड।
तो जो है ये ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड को आपको इंस्टॉल करना है। ये 1.5 MB का एक ऐप्स है। इस ऐप्स में आपको मिल जाएंगे इंटेक्स, नोकिया, सैमसंग, सौमी, वीवो, ओप्पो, ब्लैकबेरी और भी बहुत सारे आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। इसमें आपको वन क्लिक की आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कभी भी अगर स्टॉक रूम डाउनलोड करनी होगी तो आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपको एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो दोस्तों इस ऐप्स को अभी डाउनलोड करें और आपको जो भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है वो मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें होगा क्या कि मोबाइल में फ्लैश फाइल कभी भी जैसे हम इंटरनेट में डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और IDM नहीं होता है तो हम डाउनलोड करते हैं आधी में रुक जाती है, फिर से हमें डाउनलोड करना पड़ता है या 10 बार कई बार लिंकों को हमें क्लिक करना पड़ता है तब जाके वो फ्लैश फाइल डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर वो आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी बड़ी आसानी से डायरेक्ट। तो चलिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चुननी है आपका फ्लैश स्टॉक रूम किसका आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सौमी। अगर आप सौमी की डाउनलोड करते हैं तो आपको सौमी पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे चले आएंगे। आपको उसके साथ में यहाँ पर MI का टूल भी दे दिया है, MI का USB ड्राइवर भी दे दिए, कॉलकॉम के ड्राइवर भी दे दिए हैं। अब स्टॉक रूम तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी है ना, सौमी MI3, MI4, MI तो सारी MI4S, MI4i, MI5X, 5MI, तो यहाँ पे आपको 5S, यहाँ पे MI6, MI Note, यहाँ पे आपको सबकी मिल जाएगी। और ये है सौमी MI Mix, तो ये तो सब MI की चली है दोस्तों। इसके बाद में आपको Redmi की मिल जाएगी, MI Pad, MI Pad 3। अब देखिए यहाँ पे Redmi की चालू हो गई, Redmi 1S, और ये वन क्लिक में आपको क्लिक बस करेंगे आपको ये डाउनलोड पे आ जाएगी दोस्तों। तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आपने सौमी की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के अलावा और कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोकिया की, तो नोकिया की फ्लैश फाइल कई बार मिल नहीं पाती है। आप फोरम्स में ट्राई करते हैं, फोरम्स में मिलती है, तो नोकिया में आपने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर नोकिया की फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर नोकिया 100, 101, 105 RM मॉडल उसके साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको नोकिया के बहुत सारे आपको मॉडल मिलेंगे जो आपको वन क्लिक डाउनलोड पे फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। अगर आप माइक्रोमैक्स के मोबाइल का स्टॉक रूम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको करना क्या होगा, आपको माइक्रोमैक्स में जाना है दोस्तों। आपको अगर माइक्रोमैक्स में जैसे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम दोनों तरह के CPU मिल सकते हैं। मीडियाटेक का यहाँ पे टूल डाउनलोड दिया हुआ है, वीकॉम के ड्राइवर दिए हुए हैं, सब कुछ है। स्पेक्ट्रम का रिसेंट डाउनलोड फ्लैश टूल यहाँ पे दिया हुआ है, XCI फ्लैशिंग ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पर है। अब हम बात करें देखिए यहाँ पे आपको वन क्लिक में जैसे आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए Q300 में डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों वैसे ही ये फाइल ओपन मीडिया फाइल में देखिए यहाँ से आप आराम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितना आसान है अब स्टॉक रूम को डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको ये ऐप्स से जुड़े रहे क्योंकि इस ऐप्स में इसके अलावा भी इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी स्टॉक रूम नई नई फर्मवेयर जो चाइना मॉडल की है, जिसमें चाइना फर्मवेयर में मैं अभी ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली नहीं है वो अपडेट करूंगा। अब ब्लैकबेरी की बात करते हैं, ब्लैकबेरी की फर्मवेयर मिल नहीं पाती है तो जैसे कि हम ब्लैकबेरी को क्लिक किए हमने और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैकबेरी की देखिए आपको ये फर्मवेयर आपको यहाँ पे ब्लैकबेरी की मिल जाएगी। आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है, कोई यहाँ पे ऐड नहीं चलते हैं, कोई यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक के क्लिक नहीं करनी है, कोई आपको जो वेट करने वाली लिंक है उसको क्लिक नहीं करनी है। वीवो की बात करते हैं हम, चलिए मान लीजिए आपको वीवो वी सेवन प्लस की आपको फर्मवेयर डाउनलोड करनी है तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है वीवो V7 Plus। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे देखिए वीवो V7 Plus, आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फर्मवेयर डायरेक्टली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐप्स आपके में खुल जाएगा। बट आप अगर वैसे जाएंगे तो आपको देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए, बिना स्पेस के आपको लिखना है और फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। हालांकि इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है वीडियो के नीचे, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पर आप आ जाएंगे और इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चलाइए दोस्तों। तो जुड़े रहे चैनल से, तो जुड़े रहे चैनल से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। मित्रांनो हे सरांची नवीन बुक जी आहे एडवांस मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10 तारखेला लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर
सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगी। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.